अमेरिका के दंत कथाओं में मौजूद कुछ ऐसे खौफनाक और रहस्यमय जीव जिनके रहस्य से हम आज तक अनजान हैं। नंबर वन, जर्सी डेविल। दोस्तों, जर्सी डेविल एक ऐसा रहस्यमय प्राणी है जिसके जन्म के ऊपर दो दंत कथाएं काफी फेमस हैं। पहले किस्से के मुताबिक जेन लीट्स नाम की एक महिला जो काफी गरीब थी, उनके 12 बच्चे थे। इतने बच्चों को संभालने में जेन लीट्स को काफी दिक्कतों और आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उन्होंने तंग आकर कहा कि अगर अब कोई और बच्चा होता है तो वो शैतान ही होगा। उन्हें नहीं पता था कि क्रोध में निकली हुई ये बात उनके लिए एक श्राप बन जाएगी। साल 1735 में वो एक बार फिर गर्भवती हुई और उन्होंने अपने 13वें बच्चे को जन्म दिया। लेकिन कुछ मिनटों बाद उस बच्चे की रूपरेखा बदलने लगी और वो एक डेविल में बदल गया। दूसरे किस्से के मुताबिक जेन लीट्स खुद एक डायन थी जो शैतान को खुश करके प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दिया जो लगभग 20 मिनट के अंदर एक अजीब से जीव में बदल गया और घर की चिमनी से होकर जंगल में उड़ गया। दोस्तों, साउथ जर्सी में 1700 स्क्वायर माइल्स में फैले देवदार के पेड़ों का एक विशाल जंगल है जिसमें लोगों की आबादी बहुत ही कम है और यहां का इलाका काफी ठंडा है। कहा जाता है कि ये वही जंगल है जिसमें जेन लीट्स का घर था और यहां पर आज भी जर्सी डेविल को देखा जाता है।